तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ गिलदार बामनिया। गिलदार बामनिया व्लॉग ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं कुछ इस प्रकार से तैयार होते हुए, आज का कुछ ग्रह काम है और छोटा मोटा काम रहेगा। तो मित्रों, मैं कुछ इस प्रकार से अपने कालक में माइक शिफ्ट करते हुए कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाता हूँ और आगे आप देखिए मैं कहाँ पर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये बाहर का महल है, कुआ फुल भर चुका है और मम्मी इधर कुछ कुछ छोटा मोटा काम कर रही है और मैं इधर अपने बाहर का जो नज़ारा दिखा रहा हूँ। और ये नाले में पानी इस प्रकार से बह के जाता है दोस्तों, और गाड़ी निकालना इतना मुश्किल हो गया है कि आपको क्या ही बताएं दोस्तों। पूरी बाइक गंदी हो जाती है और इधर छोटा सा नंचू के लिए झूला लगाया है और कुछ इस प्रकार से मैं आपको परफॉर्मेंस देता है। कुछ थोड़ा बहुत शो कराने वाला है तो संजय को निकाल रात को आए थे लगभग 10 बजे और बात बहुत लेट हो गए थे। तो आज भी कुछ थोड़ा बहुत शो कराने वाला है तो वहाँ पर जाऊँगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में और देखते रहिए, तो आगे सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद। तो साथियों, मेरे घर के आगे का जो रोड का व्यू है वो दिखा सकता हूँ आपको। ये कुछ पगडंडी है, सीसी पगडंडी, बट यहाँ पर जो आरसीसी रोड बनना था वो भी कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर बाइक तो आसानी से आ जाती, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाड़ी फंस जाती है गाइस और आगे तो ये है जो कीचड़ ही कीचड़ है और यहाँ पर भी नाला है। ये जो आप देख सकते हैं ये नाला है गाइस और यहाँ फंस सकती है गाड़ी, तो ये दिक्कत है हमारी। और आगे जो है वो रास्ता है, वहाँ पर भी कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सरपंच से एक अनुरोध है कि वो कुछ अपने इस तरह से करवा सके पास। तो साथियों, मैं कुछ इस प्रकार से अपनी बाइक को लेकर मेरी बहन को लेने के लिए चल पड़ता हूँ रास्ते में, कुछ इस प्रकार से बड़बड़ाते हुए। और अब देख सकते हैं कि मैं एक हाथ से बाइक ड्राइव कर रहा और एक हाथ से मोबाइल को हैंडल कर रहा। तो साथियों, इतना आपके लिए मेहनत कर रहा, तो आप मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, तो आगे आपका भाई बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में और इस प्रकार का। तो आज मैं गया था, ज़्यादा कुछ नहीं, 6-7 किलोमीटर दूर की यात्रा की, उसके बाद मैं फिर से घास काटने के लिए चल पड़ता हूँ गाइस, क्योंकि घास काटनी पड़ती। और ये मेरे बाबा की खेत की मक्का है कुछ इस प्रकार से, ये कितने अच्छे फूट चुके हैं, अब दाने भरेंगे तो चलते हैं घास काटने। तो मित्रों, आपको कुछ एक ये फसल दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे काका लगते हैं उसकी फसल है और अच्छे खासे मूँगफली हो रखे हैं और सबसे बेस्ट है। और भी ये पानी निकल जाता है, यहाँ पर पानी निकालने की कोई वो है नहीं, इशू नहीं है। और ज़्यादा उड़द तो इस साल गाइस सब जगह ये वाली हालत हो गई, सोयाबीन का भी ये हालत और उड़द का भी, तो इस साल तो ज़्यादा कुछ पकने का कोई ठिकाना नहीं रह गया। और बात करें तो कल की, तो कल गाइस में था इधर मालवई में, मालवई तरफ था और वहाँ पर हमारा काम था बांस भरने का, तो पूरा दिन लग गया था। शाम को 9-10 बजे आए थे और भजन वगैरह करा था और सो गया थे, इसलिए वीडियो वगैरह एडिटिंग नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि जो वो अभी जस्ट आज टुडे ही अपलोड किया वो वीडियो था, लगभग परसों का था। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में और आगे तक शेयर कराऊंगा आपको मेरे ग्रामीण क्षेत्रों का, तो बने रहिए, धन्यवाद। काकी है फ्रेंड्स इधर साइड, यह सिंह बिंड्री कुतरा। आज 2 तारीख ने भाभी और भतीजी 2 तारीख थी, 7 तारीख के भैया खेत में काम करते हुए मैं उनसे बातें करते हुए आगे जा रहा हूँ और कुछ इस प्रकार से 4 दाड़ 5 दाड़ बचा बिंड्री है सिंह और काकी घास काट रही, तो इधर छोला भर के और नंचू और मैंने खाए सिरे यहाँ पर लगे थे।